हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक शॉर्टकट की सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर अगर हमें इसकी विड्थ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना है तो हम एक शॉर्टकट की यूज किया करते थे, अल्ट एच ओ आई, ठीक है, इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक नई शॉर्टकट की बताता हूँ जिसके मदद से आप ये काम कर पाएंगे बहुत ही इजीली। तो आपको क्या प्रेस करना है कीबोर्ड से, देखिए जिसकी भी साइज को आप एडजस्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए और आपको प्रेस करना है Alt O C A। तो पहले Alt, फिर O, फिर C, फिर A। तो जैसे ही ये प्रेस करेंगे Alt O C A, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ये एक एक करके एडजस्ट हो रहा है। अगर आपको एक साथ कई सारे, अब देखिए यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ मैं, ऐसे ही टाइप कर देता हूँ, तो ये देखिए ये काफी बड़ा हो गया। तो अभी इसको एडजस्ट करना है, तो बारी बारी से एडजस्ट करने से अच्छा है कि आप एक शॉर्टकट की प्रेस कीजिए और उस शॉर्टकट की को प्रेस करने के बाद आपका जो पूरा कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ आपको प्रेस करना है स्पेस बार, तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और अब आप वही शॉर्टकट की अल्ट ओ सी ए प्रेस कर देंगे तो एक ही बार में ये एडजस्ट हो जाएगा। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो उसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।